Hello friends, I'm Rakesh and you're watching Learn English Through Practice. Today my subject is Learn Vocabulary Through Foreign Media News. तो हमारा subject है आज का India Nepal Water Dispute. Water dispute का मतलब होता है पानी के लिए लड़ाई. तो India और Nepal के बीच में चल रहा है, जिसका कारण क्या हुआ है कि इस dispute ने spur कर दिया. Spur का मतलब होता है भड़का देना. Farming crisis को, जो farmers से संबंधित crisis होती है, यानी कि कृषि से संबंधित farming crisis होती है, उपजाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, तो वो कृषि से संबंधित परेशानियों को उसने भड़का दिया है, राइट? किसने? वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं जब कभी भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके लिए पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. Chandreshwar Yadav cannot afford to live off his land. Chandreshwar Yadav cannot afford to live off his land. Chandreshwar Yadav जो कि किसान है, cannot afford, वो इतनी जहमत नहीं उठा सकते. To live off his land एक phrase होता है जिसका मतलब होता है कि आपके land से इतना उपज हो जाए कि आपको बाहर से खरीदना ना पड़े. He has half an acre. उनके पास half an acre जमीन है. If he had enough water, अगर उनके पास पर्याप्त पानी होता जमीन पे, यानी कृषि करने के लिए, ही सेज वो कहते हैं, ही विल नेवर हैव टू बाय फूड अगेन. उनको कभी भी फूड नहीं खरीदना पड़ेगा अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी फार्मिंग करने के लिए हो तो. बट 50 मीटर्स अवे देयर इज वाटर. लेकिन 50 मीटर दूर यहाँ से पानी है. तो चलिए सुनते हैं. He has half an acre and if he had enough water, he says he would never have to buy food again. But just 50 meters away, there is water. आगे देखते हैं, ये पानी क्या है? It is Kamala Irrigation Project. ये Kamala Irrigation एक project है, उसी का पानी यहाँ पे है, ठीक है? ये क्यों बनाया गया था? Built for agriculture. ये कृषि के लिए ही बनाया गया था, ताकि इसे कृषि किया जाए. कब बनाया गया था? More than 40 years ago. ये 40 साल पहले बनाया गया था. और इसका क्या उद्देश्य था? And meant for serve. इसका उद्देश्य था सेवा करना. किसको? Both Nepal and India. दोनों देशों को सेवा करना था. सुनते हैं. It is the Kamala Irrigation Project built for agriculture more than 40 years ago and meant to serve both Nepal and India. When the Kamala Irrigation was completed, जब Kamala Irrigation complete हुआ था, चंदेश्वर यादव बोल रहे हैं कि officials from India and Nepal, जो भारत के officials थे और नेपाल के, दोनों ने क्या किया था? Had grand ceremony. खूब धूमधाम से उत्सव किया था. सेरेमनी का मतलब होता है उत्सव, ठीक है? और उन्होंने क्या कहा था? यूज द वाटर, दे सेड. उन्होंने कहा था कि देखो, लेकिन चंदेश्वर कहते हैं, बट हाउ आर वी सपोज टू यूज द वाटर. लेकिन हम लोग कैसे यूज करें पानी को, है ना? बट हाउ आर वी सपोज टू यूज द वाटर, कैसे पानी को यूज करें हम लोग? क्योंकि इट वेंट स्ट्रेट टू इंडिया. ये सीधे भारत में चला जाता है और कोई चैनल्स नहीं है जहां से मैं पानी को यूज कर पाऊं. When the Kamala Irrigation Project was complete, officials from Nepal and India had a grand ceremony. Use the water, they said. But how are we supposed to use the water? It went straight to India. The water flows past. But there are not any channel. जब नदी से छोटी छोटी चैनल्स निकाले जाते हैं, यानी कि उसे काट करके. मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझा सकता हूँ, आप देखिएगा. देखिए इस पिक्चर में ये जो पानी थोड़ा सा बह रहा है, ये नदियों को काट करके बनाया गया है, ताकि नदियाँ के पानी यहाँ पे पहुँच सके और यहाँ पे कृषि संपन्न हो सके, राइट? ये चैनल्स हैं. ये इस व्यक्ति को देखिए, यहाँ पर ये बनाया गया काट करके, नदियों को इधर पानी लाया गया है, इसी को चैनल्स कहते हैं, राइट? तो कहता है कि यहाँ से पानी तो गुजर जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा चैनल्स नहीं है, है ना, दैट फीड द फार्मर्स, जो फार्मरों का काम आया उनके लिए पानी उपलब्ध हो सके. आगे देखते हैं. यादव हैज टू यूज डीजल पंप. यादव को डीजल पंप यूज करना पड़ता है. क्यों? टू एक्सेस द वाटर, पानी को पाने के लिए. और ये कितना कैसे चलता है? दैट रन्स $4 an hour. और इसके लिए प्रत्येक घंटे $4 खर्च करने पड़ते हैं यादव को. यादव कहते हैं कि लैंड्स हियर आर फर्टाइल. यहाँ की जो जमीनें हैं वो काफ़ी ही उपजाऊ है. एंड कुड प्रोड्यूस क्रॉप, कैश क्रॉप, और कैश क्रॉप को उत्पन्न कर सकती है, यानी कि वह क्रॉप, वह फसल जिससे डायरेक्ट पैसे आते हैं, जैसे सब्जी वगैरह हुआ. आगे देखते हैं. बट विदाउट रेडी सप्लाई ऑफ वाटर. लेकिन यहाँ पर तो पानी, जो रेडी सप्लाई ऑफ वाटर होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं. उसके बगैर इट इज़ इम्पॉसिबल. उसके बगैर
कैश क्रॉप होना संभव नहीं. तो सुनते हैं. The water flows past, but there are no channels that feed the farmlands. Yadav has to use a diesel pump to access water at around $4 an hour. Yadav says the land here is fertile and could produce cash crops, but without a ready supply of water, it is impossible. Right, it is impossible. आगे देखते हैं. Many have to look outside Nepal for work. बहुत सारे लोगों को look outside Nepal, Nepal से बाहर देखना पड़ता है. किस लिए? For work, काम के लिए. वहाँ पे काम नहीं मिल पाता है. आगे देखते हैं. Yadav and both his sons work as a labor in Saudi Arabia. यादव जो हैं, जो ये काम कर रहे हैं खेतों में, वो और उनके दोनों बेटे सऊदी अरेबिया में काम करते थे. किस रूप में? एज लेबर, लेबर के रूप में. आगे देखते हैं. आई एम स्टैंडिंग हियर. जो रिपोर्टर हैं वो कह रही हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. कहाँ पे खड़ा हूँ? ऑन द एम्बैंकमेंट ऑफ कमला रिवर. एम्बैंकमेंट का मतलब बांध. तो मैं कमला रिवर के बांध पे खड़ी हूँ. तो चलिए सुनते हैं. मेनी पीपल हैव टू लुक आउटसाइड नेपाल फॉर वर्क. यादव एंड बोथ हिज सन्स वर्क एज लेबरर्स इन सऊदी अरेबिया. I'm standing here on the embankment of the Kamla River. Okay, आगे reporter कहती है कि down there, वहाँ पे नीचे में, down there is river, वहाँ पे नीचे में river है. As you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है? क्या देख सकते हैं? As you can see, farmer from either side, जो दोनों तरफ से किसान है, यानी कि जो बीच से नदी गई हुई है, उसके दोनों तरफ, यानी right side, left side, दोनों तरफ जो किसान हैं, कहाँ पे? इन नेपाल हैव नो एक्सेस टू दैट वाटर. ये दोनों तरफ के जो किसान हैं, उनको उस पानी का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, उनको एक्सेस नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है. तो सुनिए. डाउन देयर इज द रिवर एंड एज यू कैन सी फार्मर्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिवर इन नेपाल हैव नो एक्सेस टू दैट वाटर. ठीक है, दोनों तरफ के किसानों को कोई भी पहुंच नहीं है. द रिवर फ्लो जस्ट स्ट्रेट डाउन स्ट्रीम टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ बिहार इन इंडिया. ठीक है, रिवर फ्लोज, नदी बहती है स्ट्रेट माने सीधा, डाउन स्ट्रीम, उसका धारा सीधे नीचे चला जाता है. किसकी तरफ? टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार राज्य की तरफ चला जाता है, जो कि कहाँ पे? इन इंडिया. आगे देखते हैं. व्हेन इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट दिस एम्बैंकमेंट, जब भारतीय सरकार ने इस बांध का निर्माण किया था, तो क्या था? देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्लान्स, बहुत सारे प्लान थे. ठीक है, क्या प्लान था? ए सेपरेट रिवर, एक अलग से रिवर बना करके, रिवर, एक सेपरेट रिवर वॉज टू बी डाइवर्टेड, क्या किया जाना था? डाइवर्ट किया जाना था. किसकी तरफ? टुवर्ड्स कमला, है ना, कमला की तरफ, कोई जगह का नाम है, उस कमला की तरफ एक सेपरेट रिवर को डाइवर्ट किया जाना था. और ये फाइनली कहाँ जाता? एंड फाइनली टुवर्ड्स द इरिगेशन चैनल्स फॉर द फार्मर्स ओवर हियर इन नेपाल, है ना, और फाइनली टुवर्ड्स इरिगेशनल चैनल्स, और इसको इरिगेशनल चैनल्स की ओर डाइवर्ट किया जाना था, है ना, किस लिए? फॉर फार्मर्स ओवर हियर इन नेपाल, ताकि जो फार्मर्स हैं नेपाल में यहाँ पे, वो उसको क्या कर सके? यूज ऑल ईयर राउंड, सालों भर उस चैनल से पानी ले करके अपना कृषि कार्य कर सके. ये प्लान था कब? जब भारत सरकार ने इस एम्बैंकमेंट का निर्माण किया था. तो सुनते हैं. The river flows directly downstream towards the state of Bihar in India. Now, when the Indian government built this embankment, there was a larger plan. A separate river was to be diverted towards the Kamla and finally towards the irrigational channels for farmers over here in Nepal to use all year round. All year round, ताकि सालों भर यूज कर सके. Almost half a century on, मतलब आधा सेंचुरी से भी तो ज़्यादा हो गया, यानी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. नो प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया. फार्मर्स हेयर, जो यहाँ के किसान हैं, से कहते हैं, क्या कहते हैं? दे फील चीटेड, वो महसूस करते हैं उनको ठग लिया गया है भारत सरकार ने उसे ठग लिया, ऐसा वो महसूस करते हैं. सुनते हैं. But almost half a century on, no progress has been made and the farmers here say they feel cheated. Right, आगे देखते हैं. डाउन स्ट्रीम, ये जो धारा है अक्रॉस द बॉर्डर इन इंडिया इज कमला जयनगर बराज. कहता है कमला जयनगर बराज, बराज का मतलब होता है बांध ही होता है, लेकिन ये जो बराज होता है जहाँ से पानी खोला जाता है, उसे चाहे तो रोक दिया जाता है और खोल भी दिया जाता है, इसे को बराज बोलते हैं. लेकिन एम्बैंकमेंट ऐसा होता है जिसको खोल ले सकते हैं, उसे पानी से बचाने के लिए किया जाता है. राइट, तो डाउन स्ट्रीम अक्रॉस बॉर्डर इन इंडिया, मैंने बॉर्डर के उस तरफ भारत में कमला जयनगर बराज है, ठीक है, जो कि क्या है? एन आर्टिफिशियल बैरियर फ्रॉम देयर रिवर इज डाइवर्टेड. कहता है एक आर्टिफिशियल बैरियर है, एक बनाया गया, कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रोधक है, बैरियर है, जहाँ से पानी जरूरत पड़े तो रोक भी दिया जाता है, आगे भी बढ़ा दिया जाता है. ठीक है, एक आर्टिफिशियल बैरियर है. कहाँ से? फ्रॉम देयर, जहाँ से, है ना, वो आर्टिफिशियल बैरियर है, जहाँ से
क्या किया जाता है? From there river is diverted, वहां से नदी को डाइवर्ट किया जाता है, यानी कि उसको मोड़ा जाता है किस तरफ? टू एन एग्रीकल्चर कैनाल, ठीक है ना, एक एग्रीकल्चर कैनाल की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कैनाल दिखाया था आपको शुरू में ही है पिक्चर में, उसकी तरफ डाइवर्ट किया जाता है एग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन लेट 1950 मतलब 1950 के अंतिम समय में द फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो क्या हुआ कि लेट 1950 में पहली बार पानी शेयरिंग का एग्रीमेंट, जो एक ट्रीटी है जो इंडिया और नेपाल के बीच में संपन्न हुआ, राइट। बट मेनी इन नेपाल से, लेकिन बहुत सारे जो लोग नेपाल में कहते हैं, द ट्रीटी वॉज ऑलवेज डिसप्रोपोर्शनेटली बेनिफिटेड इंडिया, और वो कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रीटी है, और वे कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रीटी है डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब कि थोड़ा बेमानी ढंग से आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपात, अनुपातिक रूप से, मतलब कि जो उसके अनुपात में जाना चाहिए पानी, क्योंकि एक नियम होता है ट्रीटी का कि आप भी यूज करेंगे हम भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब बेमानी रूप से भारत को बेनिफिट हुआ है, राइट। एंड द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिजाइन टू हेल्प नेपाली फार्मर्स, और वो कहना चाहते हैं जो नेपाल में लोग हैं कि जो यहाँ का जो प्रोजेक्ट है जो सरकार, इंडिया सरकार ने बनाया है, वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो नेपाली फार्मर को हेल्प नहीं करते। तो सुनते हैं। Downstream across the border in India is the Kamala Jayanagar barrage, an artificial barrier. From there, the river is diverted to an agricultural canal. In the late 1950s, the first water sharing agreements were made between Nepal and India. But many in Nepal say the treaties have always disproportionately benefited India and projects are not designed to help Nepali farmers. Projects are not designed to help Nepali farmers. ऐसे नहीं होते कि नेपाल के फार्मर को हेल्प कर सके। चलिए आगे देखते हैं। Unfortunately, certain perception has taken root in Nepal. तो जो भारत के और नेपाल के एम्बेसडर हैं वो बोलते हैं कि दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा परसेप्शन, मानसिक स्थिति बन गई है, वो डीप रूट ले लिया है नेपाल में, यानी लोगों के दिल दिमाग में छा गया। क्या छा गया? दैट दीज ट्रीटीज, ये जो दोनों संधियां हुआ है, अनफेयर टू नेपाल, उनके लिए अनफेयर है, मतलब उनको कोई फायदा नहीं होता। भारत ने तो ये ट्रीटी उनके साथ किया है, लेकिन ये सारा फायदा भारत को होता है, ऐसा लोगों के बीच में परसेप्शन बन गया। परसेप्शन का मतलब मानसिक स्थिति बन गई। चलिए आगे देखते हैं। द फैक्ट इज दैट, वो कहना चाहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि द लोकेशन ऑफ दिस ट्रीटीज, जहाँ ये ट्रीटीज हुआ है उसका जो लोकेशन है, उसकी स्थिति है, उसका जो जगह है, वो कहाँ है? इज क्लोज टू इंडिया नेपाल बॉर्डर, और ये भारत और नेपाल के बॉर्डर के बहुत करीब है। तो सुनते हैं। Unfortunately, a certain perception has taken root in Nepal that these treaties were unfair to Nepal. The fact is that the location of these treaties is close to the India-Nepal border. Okay. And साथ ही देखिए क्या और कह रहे हैं। Naturally, the amount of land, कहता है प्राकृतिक रूप से जो amount of land है ना, जो ज्यादा मात्रा में जो land है, receive irrigation benefit, है ना, ज़्यादातर बेनिफिट पाते हैं बड़ी मात्रा में, और वो लैंड कहाँ पे आर लार्जर ऑन इंडियन साइड, और वो भारत की तरफ से ज़्यादा, यानी कि जो पानी है वो भारत के लैंड ज़्यादा पाते हैं नेचुरली रूप से, किसकी तुलना में? एज कम्पेयर टू नेपाली साइड, नेपाली साइड की तुलना में। नेवर द लेस का मतलब होता है कोई बात नहीं, नेवर द लेस देर वर होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स, हालांकि कोई बात नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ बेनिफिट्स थे किन के लिए बनाए गए थे, दैट वेयर क्रिएटेड फॉर नेपाल एट दैट टाइम, जिस समय एग्रीमेंट हुआ था उसी समय नेपाल के लिए भी बहुत सारे होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स की, चले भाई आप हमें अपने मार्ग से, अपने जमीन से हमारे नदी को जाने देते हैं तो आपके लिए भी कुछ बेनिफिट्स देंगे, तो नेपाल के लिए किया गया था। दीज रिलेटेड टू नॉट जस्ट एरीगेशन, यह न केवल उनको एरीगेशन का लाभ देना था उस ट्रीटी के माध्यम से, बल्कि ऑल्सो फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि चलिए हम आपको कुछ पैसे भी दे देंगे। These related to building roads, और उसमें ये भी शामिल था कि जो ट्रीटी हुआ था कि इससे रोड बनाया जाएगा, बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स बनाया जाएगा, एंड द फैक्ट दैट, और ये फैक्ट सबसे बड़ा ये है कि वी बिल्ट द एम्बैंकमेंट, जो हम लोगों ने बांध बनाया था, भारत ने जो बांध बनाया था, ऑल द वे डीप इन टू नेपाली टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है नेपाल की जमीन, यहाँ पर हो गया उसका अपना टेरिटरी, मतलब उसका अपना क्षेत्र, जहाँ पे भारत सरकार की कोई नहीं चलती है, उसका चलता, उसके अंदर में वो,
तो ऑल द वे डीप इनटू नेपाली टेरिटरी, मतलब उसके अंदर नेपाल में घुस करके जो ये बनाया गया था एम्बैकमेंट, किस लिए डीप क्यों बनाया गया था, सो एज टू प्रोटेक्ट नेपाली टेरिटरी, ताकि हम नेपाल की जो सीमा है, नेपाल की जो जमीन है उसको प्रोटेक्ट कर सके, किस चीज़ से, फ्रॉम इनंडेशन, मतलब बाढ़ से, बाढ़ यानी फ्लड से। चलिए आगे देखते हैं, सुनते हैं पहले। एंड नेचुरली द अमाउंट ऑफ लैंड दैट रिसीव्ड इरिगेशन बेनिफिट्स इज लार्जर ऑन द इंडियन साइड एज कंपेयर टू द नेपाली साइड। Nevertheless, there were a host of other benefits that were created for Nepal at that time. These related to not just irrigation, but also financial assistance. These related to building of roads, building of railway lines, and the fact that we built the embankments all the way deep into Nepali territory so as to protect Nepali territory from inundation. The farmers are still facing impact of those agreements. जो फार्मर्स हैं यहाँ के, वो अभी भी फेस कर रहे हैं इम्पैक्ट, मैंने आघात, इम्पैक्ट मैंने प्रभाव ऑफ दोज एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट्स किए गए उसका अभी भी प्रभाव झेल रहे हैं। चंदेश्वर यादव शोज अस हिज फील्ड, चंदेश्वर यादव अपना फील्ड दिखाते हैं कि आइए देखिए हमारा क्या खेत है। इट वॉज ड्राई एंड इन डेस्परेट नीड ऑफ वाटर, ये सूखा हुआ था उनका जो फील्ड जो उन्होंने हमें दिखाया, और साथ ही साथ ये पानी की डिमांड में था, डेस्परेटली नीड ऑफ वाटर, इनको बहुत जरूरी थी पानी देना, ये सूखा हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा, चंदेश्वर ने कहा, कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ मच वी कुड ग्रो इफ वी यूज दिस फील्ड, कि कितना हम उपजा पाएंगे इफ वी यूज दिस फील्ड, अगर हम इस कोई उपयोग करते हैं इन फील्ड को, इस खेतों को, लेकिन पानी ही नहीं है, ऐसा वो ये कहना चाहते हैं। तो सुनते हैं। The farmers here are still facing the impact of those agreements. Chandreshwar Yadav showed us his land. It was dry and in desperate need of water. Can you imagine how much we could grow if we could use these fields? He asks. The same question posed by his many Nepalese neighbors. Or aisa hi question bahut sare unke Nepal ke jo पड़ोसी हैं उनका भी यही सवाल था कि अगर इन सारे जमीनों को उपयोग किया जाए तो हम लोग कितना उपजा सकते हैं, ऐसा सभी लोगों ने, उनके जो नेबर में थे उन्होंने कहा। द सेम क्वेश्चन पोज्ड बाय मेनी ऑफ हिज नेपाली नेबर्स। स्वीना श्रेष्ठ, अल जजीरा, धनुषा डिस्ट्रिक्ट, नेपाल। आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।